बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। नई सुबह और नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ शनवारी, मटन की शनवारी बनाने जा रही हूँ। मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है? मेरे पास तकरीबन 2 kg 2 किलो के करीब ये मटन है, और मेरे पास नमक है 1 टीस्पून नमक, हसबे ज़ायका आप जितना दिल करता है आप डालें, जितना आप खाते हैं उतना आप इस्तेमाल करिए मसाले। और ज़ीरा पाउडर है मेरे पास 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मेरे पास काली मिर्चें भर के, 2 किलो है इस वजह से। और ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैं लंबाई में काट लूँगी, ये मैं डालूँगी। इन्हीं के हिसाब से स्पाइसेस होंगे। अगर आप लाल मिर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर लें, मैं नहीं कर रही, कुटी लाल मिर्च का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तकरीबन मेरे पास 6 टमाटर हैं बड़े बड़े, इनका मैं छिलका उतार लूँगी, आसानी होती है। 2 टेबल स्पून भर के मैं अदरक लहसुन की पेस्ट डालूँगी। ये मैंने इसलिए रखा है सिरका कि अगर आपके पास कुर्बानी का गोश्त है उसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती, तो उसमें 1 टेबल स्पून मैं डाल दूँगी। इस वजह से मैं आपको दिखाने के लिए मैंने कहा था सिरके के गोश्त पानी में आप गोश्त को धो लें तब भी उसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, तकरीबन 2 कप भर के मैंने दो केजी मेरे पास मटन है, इस वजह से मैं 2 कप भर के मैंने घी के लिए, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गोश्त और अदरक लहसुन की पेस्ट कटी। ये देखिए अदरक लहसुन की पेस्ट है, इनको मैं इकट्ठा अच्छी तरह मैं इसको फ्राई करती हूँ गोश्त को। चलिए जी, ये देखिए गोश्त की रंगत चेंज हो गई है। मैं अब इसमें पानी डाल के प्रेशर लगाने लगी हूँ। मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी लगाया है ताकि प्रेशर में गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाए। मैं इसको ढक्कन दे के इसको गला लेती हूँ। उसके बाद मैं ये टमाटर भी इसी के साथ डाल रही हूँ ताकि टमाटर जो है वो भी इसी के साथ मैश हो जाए। ये देखें, ये टमाटर है, मैंने छिलके उतार लिए हैं, टमाटर भी मैं इसी के साथ डाल रही हूँ, और मैं तकरीबन 5-6 मिनट का प्रेशर लगा रही हूँ। ये देखें जी, मैंने प्रेशर खोला है और इसमें है पानी। अब मैं पानी को खुशक करते हुए जो टमाटर है ना उनको भी चम्मच से थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। अगर गोश्त देखें गल गया है, अगर गोश्त नहीं गला तो पानी डाल के आप उसको फिर गला लें। प्रेशर कुकर में गोश्त सही गलता है, वैसे तो भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ। देखिए, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हो गया, गल गया। अब इसका पानी खुशक हो ले तब तक मैं साथ टमाटर मैश करती जाती हूँ। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह घी जो है वो इसका आना ऊपर शुरू हो गया। मैं इसमें मसाले डाल दूँ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून काली मिर्च कुटी हुई, और थोड़ा सा नमक। सब्ज़ मिर्चें मैं अभी नहीं डाल रही, इसके साथ मैं अच्छी तरह भूनती हूँ। गोश्त को मैंने अच्छी तरह 4 से 5 मिनट मैंने भून लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसमें ये सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ, और थोड़ा सा अदरक डाल रही हूँ, लंबा कटा हुआ अदरक थोड़ा सा। इसके साथ थोड़ा सा मैं पकाती हूँ ताकि हम सब्ज मिर्च को खा सकें। थोड़ा सा इसको पका लेते हैं। ये सब देखने वाले नैला के चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखो, उसने मुझे मेहंदी लगाई, फिकी हो गई है मेहंदी, लेकिन बड़ी खूबसूरत। मैंने आपको पहले भी बताया था हमारा चैनल इकट्ठा था, लेकिन अब हमने अलग-अलग कर लिया है। तो नैला वर्ल्ड के नाम से इसका चैनल, वहाँ पे ये मेहंदी लगाना हेयर स्टाइल वगैरह सिखाती है, बड़ा खूबसूरत। तो इसके चैनल को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे पास खड़ी मुझे घूर रही है, तो इसके चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अच्छा, अभी मैंने टेस्ट किया, मुझे थोड़ी सी काली मिर्च की कमी लगी है, तो मैंने 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च और डाल दी है। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है आप डालें ना डालें, वैसे 1.5 टेबल स्पून हो गया इसमें, मैं आपको बता रही हूँ। और नमक भी चख लीजिएगा ज़रूर। ये हो गई है रेडी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसको डिश आउट करने जा रही हूँ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शनवारी हो गई है रेडी। आप, मैंने शॉर्टकट रास्ता जो है मैं वो निकालती हूँ कि चीज़ में जल्दी बन जाए, क्योंकि इसीलिए मैंने टमाटर का छिलका भी उतार लिया था और गोश्त को भी मैंने प्रेशर में गला लिया। आप वैसे भून के अगर बनाना चाहते हैं तो वैसे पानी का छींटा लगा के आप भून के भी बना सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।